शहर के रामदास पेट स्थित आयुष्मान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 9 साल की बच्ची को नया जीवन दान दिया है। खुशी कुमरी नामक बच्ची के फेफड़े से बेर का पेस्ट निकालकर डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई है। आयुष्मान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में डॉक्टरों ने एक 9 साल की लड़की की जान बचाने के मामले का खुलासा किया है। उसके फेफड़े में बेर का पेस्ट अटक गया था। 9 साल की लड़की का नाम खुशी कुमरी है। लड़की के माता पिता चिंतित थे जब वह खांसती रही और 2 दिनों तक खाने पीने में असमर्थ रही। रोगी को हिंगनघाट के सरकारी अस्पताल में और बाद में सेवाग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी अस्पताल में एक्सरे निकलने के बाद लड़की के फेफड़ों के वायु मार्ग में बेर का बीज दिखाई दिया, जो भोजन करते समय उसके फेफड़ों तक गया था। डॉक्टर ने कहा कि कोई बाहरी चीज फेफड़ों में फंसने से अधिकतर बच्चों की मृत्यु होती है। इस लड़की को खाने के दौरान एक बेर का बीज सांस की नली में अटक गया था। उसे नागपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सा से हटाने की जरूरत पड़ी। जब आई थी वो बहुत खांस रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी और एकदम बेहोश हालत में लेके आए थे, और आज वो बिल्कुल अच्छी है, वो चल फिर रही है, एकदम नॉर्मल हो गई है। बच्चे को जब खाते वक्त उसने बेर का जो सीड है उसको निगलते वक्त वो गलत सांस की नली में चला गया था और वो फेफड़े में जाके फंस गया था। वो जो सीड था, बेर का जो बीज था, वो 15 mm by 10 mm साइज़ का था और वो फंसने के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी और वो एकदम बेहोश हालत में उसको लेके आए थे, और उसको हमने तुरंत स्कोपी से, ब्रोंकोस्कोप से वो बीज को हमने निकाला। ये इतना बड़ा साइज़ फेफड़े में फंसना बहुत ही सीरियस मामला होता है, उससे बच्चे की जान जाने की संभावना रहती है। यदि पेशेंट जिंदा रहा तो वो एक पूरा लंग्स कोलैप्स ही हो गया था। वो उसका एक जब एक्सरे निकाले थे, सांस एक फेफड़े में, एक साइड के फेफड़े में जा ही नहीं रहा था, तो वो नहीं जाने से वहाँ पे मवाद जमा होता है, कफ वगैरह जमा होता है और बहुत दिक्कत होती है। वो पस निकलते रहता है, उसको फिर बहुत लंबा ट्रीटमेंट लगता है उसको ठीक करने का। मेरा नाम डॉक्टर मुरली, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यहाँ आयुष्मान हॉस्पिटल में मैं रेजिडेंट सर्जन हूँ। वर्धा जिले के कोता गांव की लड़की को पेर का बीज सांस की नली में अटक जाने की अगली सुबह उसके माता पिता द्वारा हिंगनघाट के सरकारी अस्पताल और बाद में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। रविवार होने के कारण शाम तक उन्हें चिकित्सा प्राप्त नहीं हुई। सरकारी अस्पताल में एक्सरे किया गया था। फेफड़े की वायु मार्ग में दर्ज बीज उन्हें एक्सरे में दिखा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बार बार खांसती थी, सांस लेने में कठिनाई है और भोजन को निगलने या पानी पीने में असमर्थ थी। बीज को एक लंबे लचीले ट्यूब ब्रोंकोस्कोपी से निकाला गया, जो सांस के नली के अंदर चला गया। लड़की को अभी छुट्टी दे दी गई है। आयुष्मान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बिग बाजार के बगल में श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स की 4th मंजिल पर रामदास पेट में स्थित है। आयुष्मान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बच्चे की जान बचाने वाली टीम में डॉक्टर संदीप अग्रवाल, ENT सर्जन डॉक्टर विनोद पुरकर, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रशांत पानखेड़े, डॉक्टर मुरली बीके, मोना परिचारिका और आरती परिचारिका शामिल थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।